कोपिंग विद स्ट्रेस से कोप करने के क्या तरीके हैं या कैसे कोपिंग का मतलब स्ट्रेस को जो है उसे छोड़ के आप किसी और रास्ते पर निकल जाओ या उसे सॉर्ट आउट कर दो। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दो या प्रॉब्लम से दूर भाग जाओ। तो कोपिंग एक डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन है, सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन है किसका, स्ट्रेस का। कॉप जब भी करोगे, जब स्ट्रेस होगे ना, कॉपिंग के प्रोसेस होगी स्ट्रेस के बाद, तो जैसे सिचुएशन होगी उसी हिसाब से कॉपिंग का प्रोसेस होगा। कॉपिंग इज अ सेट ऑफ कॉन्क्रीट रेस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। रेस्पॉन्स है किसका, स्ट्रेसफुल सिचुएशन का या किसी इवेंट का, दैट आर इंटेंडेड टू रिजोल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। कोपिंग का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम है उसे कम करना या उसे रिजोल्व करने का जो भी स्टेप लिए जाते हैं वो सब कोपिंग में आते हैं। पीपल हु कोप पुअरली, जो लोग अच्छे से कोप अप नहीं कर पाते हैं, उसे बाहर नहीं निकल पाते स्ट्रेस से, उसका उनका इम्यून सिस्टम भी जो है वो ख़राब हो जाता है, वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं। ये इफेक्ट पड़ता है सटीक ऊपर। इंटलर और पार्कर ने तीन स्ट्रेटेजी दी कोपिंग की। पहला टास्क ओरिएंटेड, डिसाइड कर लो कि कौन सा काम पहले करना है, तो इस तरह से भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है, फिर उससे काम करना है, तो भी स्ट्रेस बाहर आ सकते हो उससे। सेकंड है इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। इमोशन से सबसे बड़ी बात यह है कि आपको होप रखनी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या सब कुछ आप ठीक कर सकते हो। इसमें एफर्ट लगाना है कि मेंटेन होप को मेंटेन करने में और अपने इमोशन को कंट्रोल करने में। इसमें इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व वेंटिंग फीलिंग ऑफ एंगर, जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन की जो फीलिंग है उन्हें बाहर निकालना है, और ये कोशिश करनी है सवाल करने की। और ये भी इस फील्ड में भी जानना है कि आप खुद जितना आप चेंज कर सकते हो उतना करते हो, और जरूरी नहीं आप सब कुछ चेंज कर सको। थर्ड है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। इसमें क्या करना है, डिनाई करना है या उसे मिनिमाइज करना है। जो सीरियसनेस सिचुएशन की सीरियसनेस हमें पता है, सब कुछ पता है, पर हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो भी अवॉइड कर देते हैं, तो भी स्ट्रेस से बाहर आ सकते हो। इस ऑल्सो इन्वॉल्व कॉन्शियस, इसमें हमें पता है सब कुछ है, कॉन्शियसली हम जानबूझ के इस चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस स्ट्रेसफुल जो थॉट हैं और उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स, हम खुद को बचाने के लिए जो थॉट हमने लेके आए हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ये है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। सब कुछ कॉन्शियस है, इसमें सब कुछ पता है हमें, तब भी उसे अवॉइड करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करके हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। फिर जब कुछ नहीं कर सकते फिर अवॉइड करना जरूरी हो जाता है। लजारस एंड फॉकमैन जो स्ट्रेस को कोपिंग प्रोसेस है उन्होंने दिया था, कोपिंग रिफर टू द कॉन्स्टेंट चेंज, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इफर्ट। हमारे जो बिहेवियर है या जो भी हमारे माइंड के लिए चीज़ें हो रही हैं उसमें हम पता है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, उसे कॉन्स्टेंटली चेंज लेके आना है उसमें इफर्ट कॉग्निटिव बेस पे भी और बिहेवियर के बेस पे, क्योंकि हमें कॉप अप करना है तो हमें सोच समझ के भी और अपना बिहेवियर चेंज लेके आना पड़ेगा, जिससे रिड्यूस और टॉलरेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड दैट आर क्रिएटेड बाय द स्ट्रेसफुल, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन चीज़ें क्रिएट कर रही हैं उससे बाहर निकलने के लिए हमें थॉट के लेवल पे भी और बिहेवियर के लेवल पे भी चेंज करना पड़ेगा। कॉपिंग क्या करता है, सर्व टू अलाउ द इंडिविजुअल टू मैनेज और अल्टर ए प्रॉब्लम एंड रेगुलेट द इमोशनल रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम। कॉपिंग सर्व करता है टू अलाउ द इंडिविजुअल को मैनेज करने में और चेंज करने में प्रॉब्लम एंड रेगुलेट द इमोशनल रिस्पॉन्स टू दैट प्रॉब्लम। कॉप का मतलब ये है कि जो सिचुएशन है उससे किसी तरह से बाहर सको बाहर आ जाओ। कॉपिंग रिस्पॉन्स कैन बी डिवाइड इंटू टू टाइप, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशन फोकस्ड। इन्होंने दो टाइप में डिवाइड किए हैं। जो प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजी है वो अटैक करती है प्रॉब्लम को इटसेल्फ, ठीक है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करती है। इसमें इंक्रीज द पर्सन अवेयर, पर्सन की अवेयरनेस बढ़ानी है, उसे लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ाना, रेंज ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव कॉपिंग ऑपरेशन इसके पास होते हैं। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने तो उनको इंटेलिजेंट तो बढ़ना पड़ेगा उस लेवल पर जिस लेवल का प्रॉब्लम है। इमोशन फोकस जो स्ट्रेटजी है वो साइकोलॉजिकल चेंज लेकर आते हैं, डिजाइन ऐसे डिजाइन किए गए हैं प्राइमरली टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस कॉज बाय एन इवेंट। सर जितना इमोशनल बेस पर आपको नुकसान हो सकता है उसे हटाने की कोशिश की जाती है इसमें इमोशन फोकस स्ट्रेटजी में। ये था कोपिंग विद स्ट्रेस की कुछ टेक्निक। इसमें तीन टेक्निक थी एंडलर के हिसाब से, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड में मेनली ये करना है कि प्रायोरिटी आपको किस टास्क काम को देनी है। इमोशनल बेसिस पर आपको सोचना नहीं है, अवॉइडेंस पे आपको पता है सब कुछ तो उसे भी अवॉइड करना ही, एक क्वेश्चन बचा तो अवॉइड कर रहे हो। लजारस के हिसाब से दो स्ट्रेटजी हैं सिर्फ कोप अप करने की, प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशन फोकस। प्रॉब्लम फोकस ये है कि प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करो, इंटेलिजेंट बनो। इमोशन फोकस ये है कि जितना उससे नुकसान हो सकता है उससे बाहर आने की कोशिश की जाए।